हाय गाइस नमस्ते। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, जब भी बाहर जा रहे होंगे। तो आज ना से ही बैठा था, बोरियत लग रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए रूम में आ गया मैं। अपना मस्त सा एसी को ऑन करके एकदम मस्त ठंडे ठंडे में बैठा हुआ था, तो तभी सोचा क्यों ना आज एक नया वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो बनाने के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट भी चाहिए होगा, तो तब से सोच रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो एक लास्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट सोचा जो आपको जो है बनाने में अच्छा रहेगा और मुझे आपको बताने में मज़ा आएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है हाइट कैलकुलेटर। सो बेसिकली ये क्या है ना, आपका जो भी हाइट है ये वो बताता है, अब कैसे वर्क करता है उस पर बात करता है। तो बेसिकली इसमें ना सोनार सेंसर लगा हुआ है जिसका नाम पूरा आपको भी पता है, HCSR04। इतना लंबा नाम है, मतलब उसका आई थिंक कोड है या नाम ऐसे ही लोग बोलते हैं उसे, लेकिन सिंपल फॉर्म में बोला जाए अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हर जगह अवेलेबल है, तो उसी का मदद लेंगे। और साथ में 16x2 LCD और साथ में आर्डियोनो मेगा, क्योंकि मेरा आर्डियोनो उनो के साथ कुछ इसीलिए मुझे जो है आर्डुइनो मेगा के साथ बनाना होगा, लेकिन आप उनो के भी साथ बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेगा ही चाहिए होगा। तो चलिए फिर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं और सामग्रियां ले आते हैं। तो चलो भैया सामग्री लाने। तो देखो भैया, इस प्रोजेक्ट के लिए जो जो सामग्रियां हमें चाहिए वो यही है। ये है LCD 16x2 डिस्प्ले, फिर हम लोग का अल्ट्रासोनिक सेंसर, फिर साथ में एक पोटेंशियोमीटर 10K का, एक आर्डियोनो बोर्ड, एक पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पावर बैंक यूज़ किया है, और साथ में एक बॉक्स जिसमें हम लोग सारा चीज़ सेटअप कर सकते हैं, और लिंक नीचे दिया हुआ है कि कैसे मैंने इस इन सबको कनेक्ट किया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब इसका कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में। तो देखो इसका भी जो है मतलब वर्किंग प्रिंसिपल इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बेसिक सा है। तो यहाँ पहले मैं एक ड्रॉ करूँगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का, ये 2 ठो, ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, ये मान लो आपका ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड। तब क्या होगा, ट्रांसमीटर जो है पहले यहाँ पे वेव भेजा अपना, अब वेव जो है टकराया और रिसीवर के पास गया, ठीक है, और इसने भेजा इस तरफ, ठीक है, तो इसने रिसीव किया। अब क्या होगा ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है इसको रीड कर लेगा एक बार में, और इसे एक वेरिएबल D1 बना देगा। सपोज जैसे कि मान लो इसका पूरा लेंथ है, कितना मान लेते हैं हम लोग, सपोज 150 है, 150 सेंटीमीटर, तो ये D1 को मान लेगा 150 सेंटीमीटर जहाँ आपने सेट किया। फिर उसके बाद अब देखो दूसरा वही सेम चीज़ है, मतलब ये 150 सेंटीमीटर ये सेट है यहाँ पे, ठीक है, और ये हम लोग का ट्रांसमीटर रिसीवर। अब क्या करेगा ना, यहाँ अब आप मान लो यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ढंग का नहीं बना गया, नहीं 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 ढंग का नहीं बना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छे से फ्रेश पेज में बताता हूँ। देखो ये रहा मान लो ट्रांसमीटर रिसीवर, ठीक है, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आपका ग्राउंड। मैंने ऑलरेडी बता चुका है पिछले वीडियो में कि मेरा वीडियो जो है मतलब मेरा क्या कहते हैं ड्राइंग जो है इतना अच्छा नहीं है, तो ये मान लो आप हो, ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर अपना और ये रिसीवर, ये इसने भेजा और ये कुछ ही सेंटीमीटर पर टकरा के वापस आ गया, ये हो गया D2। मान लो ये D2 जो है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ बता रखा है कि ग्राउंड का जो था 150 सेंटीमीटर था, अब आप खड़े हो गए तो डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर, तो ये D1 - D2 कर देगा जिससे आ गया 140 सेंटीमीटर, जो कि आपका हाइट निकल गया। तो यही है बेसिक प्रिंसिपल। और एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि कोड जो है ना आपको लिंक के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है उसे डाउनलोड करके अपना जो है बोर्ड पे अपलोड कर सकते हो। तो अब हम लोग जो है
टेस्टिंग करते हैं इसका। तो मैं ना एक बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप इसको सेटअप करोगे ना कहीं रखोगे, तो एक चीज़ आप लोग को ये श्योर कर लेना होगा कि यहाँ पे जो रीडिंग होना चाहिए पहले वो 0 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 0 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ, सपोज़ अगर यहाँ 0 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर लिखा रहा है, 3 सेंटीमीटर लिखा रहा है, तो जो है आपके एक्चुअल हाइट में जो है जब आप चेक करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ये श्योरिटी देख लेना कि हमेशा जो है ये 0 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, वरना जो है फिर बाद में लोग बोलेंगे कि ये ढंग का प्रोजेक्ट नहीं है, फिर डिसलाइक देंगे, कमेंट करेंगे कि ये घटिया प्रोजेक्ट है। इसीलिए मैं एक बार पहले ही आप सभी को इस चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो अब जो है अब मैं अपना हाइट चेक करता हूँ। सो यप, टेस्टिंग की घड़ी आ चुकी है। तो ये रहा हमारा डिवाइस और पीछे मेरे भैया खड़े हैं जो कि मुझे बताएंगे रीडिंग क्या है। तो अब पहले ऑन करना होगा और इसको सफर हुड खोल के। अरे रे 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 भाई साहब, यही दिक्कत होता है एक्चुअली। कहाँ गया बटन? ये रहा बटन, ऑन हो गया। तो यप, तो यहाँ 0 डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री कहता हूँ, 0 सेंटीमीटर पे कैलिब्रेट हो चुका है। तो अब जो है बारी है वो खड़े होने की। तो ये खड़े मिनट हुआ ना, मिनट सुना, हाँ ठीक है, परफेक्ट। क्या रीडिंग? 177, ओके। तो 177 है सेंटीमीटर। तो अब चलिए देखते हैं कन्वर्ट करता है। तो लेकिन मैंने जब नॉर्मली चेक किया तो मेरा रियल, जो मतलब सच में जो रियल है, इससे नहीं, जो कि मैंने आई थिंक अपना स्कूल में भी चेकअप टेस्ट जो हुआ है मेरा हाइट का, और इनफैक्ट मैंने जब डॉक्टर के पास भी गया तब पर भी जब हाइट चेक करवाया तो 5 फीट 10 इंच आया है। तो देखते हैं ये 5 फीट 10 इंच सही दिखा रहा है या नहीं। तो चलिए फिर, 177 सेंटीमीटर दिखा रहा था। तो अब इसको करते हैं बंद, अब देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। तो यप, लेट्स गो। तो अब जो है आ चुकी है वो घड़ी जिसमें हम लोग देखेंगे कि 177 सेंटीमीटर जो है 5 फीट 10 इंच बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे 5 फीट 10 इंच इन सेंटीमीटर। ये रहा, सर्च करते हैं। ओके, 177 सेंटीमीटर बता रहा था, 0.8। एक्चुअली मैंने फ्लोट टैग यूज़ नहीं किया था, इसलिए अगर फ्लोट डालता तो मे बी आ जाता 0.8। तो लेकिन सही बता रहा है, 177 सेंटीमीटर। तो देखो भैया, जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते रहता हूँ। टिल देन, गुड बाय।